शहर में 6 दिसंबर को अलग अलग स्थानों के 3 एटीएम मशीन से चोरी हुए हजारों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में अंतरराज्य चोर गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना कबूल कर लिया है। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जारी है। बता दें कि 6 दिसंबर की रात शहर के चित्रकूट कॉम्प्लेक्स षष्ठी माता के मंदिर के समीप और परसिया रोड स्थित एटीएम से कुछ अज्ञात युवकों ने मिलकर तकरीबन 90,000 पार कर दिए गए थे। इस मामले में एलएलसी सेंट्रल बैंक शाखा मैनेजर ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल ने टीम का गठन कर छानबीन शुरू करी। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद साक्ष्यों के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार करा। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय, पिता राम कुमार पाल, 25 साल, ग्राम बर्नी, थाना जेठवारा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश निवासी बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एटीएम से चोरी करना कबूल कर लिया है। आरोपी के पास 64,000 नगद व एटीएम से चोरी करने पर प्रयुक्त सामग्री जब्त की गई है। टीम में शामिल नगर पुलिस अधीक्षक राहुल कटरे, एसआई राजेश साहू, एएसआई राघवेंद्र उपाध्याय, आरक्षक राहुल शर्मा, रविंद्र कुमार, रामदयाल सैनिक, जयबिंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्षेत्र अंतर्गत एक बैंक के एटीएम में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करके अज्ञात व्यक्तियों द्वारा राशि आहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एटीएम प्रबंधन देखने वाले व्यक्तियों द्वारा इसमें एटीएम से छेड़छाड़ करके रुपए चोरी करने और उसके साथ तोड़फोड़ इत्यादि की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना कोतवाली में विधिवत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस को लगातार सघन पतारसी करने के परिणाम स्वरूप एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके पास से चोरी किए गए 64,000 रुपये नकद और साथ ही साथ एटीएम में छेड़छाड़ करके कार्ड के माध्यम से जिस प्रकार से वो पैसा आहरित करते हैं उसके लिए कुछ उपकरण उन्होंने मैन मेड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया था, उन डिवाइसेस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की गई है, कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं। मुख्य रूप से इस प्रकरण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की संभावना बलवती हुई है। पुलिस की टीमें लगातार फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और जल्दी ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। विवेचना चल रही है, आगे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।